भैया बनी राम राम विलेज फूड लाइफस्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों मैं चल रही हूँ मूंग के खेत में, हमारे साथ बने रहिएगा। अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। अब मैं चलती हूँ, मैं आ गई हूँ मूंग के खेत में, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना। और देखिए मैं चल रही हूँ साइड, तो मैं मूंग के खेत में देखे आ गई दोस्तों। तो आप लोग पास से आइए, दिखाऊंगी। और देखिए बहुत ही अच्छे से अच्छे इसमें घवदे घवदे मूंग का फल लगे हुए हैं। तो जो काला दिखाई पड़ रहा है तो पक गया है, तो इसको मैं तोड़ूंगी, तो डाल बचा के तोड़ूंगी, जो कच्चा वाला है टूटे ना। तो मूंग का खेती ऐसे होता है जैसे कि एक देखिए पक गया है तो एक अभी कच्चा है, तो इसको बीच बीच में तोड़ा जाता है। जो इसको पका जाएगा इसको तोड़ाई बराबर खेत में इसको करा जाएगा। तो ऐसे मैं तोड़ लेती हूँ, देखिए इसमें दिखाई पड़ रहा है तो जो दाना चिटिक चिटिक निकल रहा है, तो इसको ऐसे पका पका जो है इसको तोड़ तोड़ के सब रखेंगे। मूंग के देखिए सुबह सुबह सब लोग मिल के जो कि मूंग जो काला ला पक गया है सब लोग तोड़ लेते हैं, क्योंकि शाम टाइम इसको ज्यादा धूप लगने से जो इसका दाना है चिटिक चिटिक के निकल जाएगा, तो इसलिए सुबह सुबह इसको तोड़ा जाता है। तो गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा लगती है, खेत में बहुत ही अच्छा लगता है। मूंग देख दो तीन बार चार बार इसको तोड़ा जाता है, क्योंकि पका जाएगा इसका तोड़ाई होगा। तो ये वही पहली बार मूंग को तो मैं तोड़ रही हूँ। तो देख रहे देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, जैसे मटर का दाना छीमी होता है उसी तरीके से बहुत ही लंबा लंबा है, देखिए अच्छा लग रहा है। इसको अच्छे से तोड़ के इसको धूप में डाला जाएगा, इसके दो तीन दिन अच्छे से सूखेगा। तो काफी देखिए हरा हरा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, अभी कच्चा है ये। देखिए मैंने ढेर सारा तोड़ लिया है, तो ऐसे भी ढेर सारा खेत में तो इसको तोड़ाई करना है। तो देखिए मैंने दो डलाई मिलकर दीदी अब मैं तोड़ लिया है, इसको रखूंगी बोरी में। तो मैं लग चल रही हूँ बोरी की साइड। तो देखिए ढेर सारा तोड़ा गया है, तो थोड़ा सा बचा है देखा उस साइड, इस साइड सारा मूंग को तोड़ाई हो चुका है, इस साइड बचा है। सब ऐसे डोल डोल के देख देख के तोड़ लेंगे, पेड़ बचा बचा के तोड़ना पड़ता है, क्योंकि पेड़ टूटे ना बचा के किसके इसमें अभी ढेर सारा इसमें फल लगा हुआ है मूंग का। चुका है, अब इसके लिए चलेंगे डालेंगे धूप में, और सूख जाएगा तो इसमें देखिए मैं डंडा से पीटना के सारे उसको पीट पीट के दाना निकालेंगे। मैंने कड़ी धूप में डाल दिया है, घाम लग लग के अब वो चिटिक गया है, तो जो बचा है उसको पीटना के सारे इसको पीट देंगे। सबसे पहले इसको हम गुलियाऊंगी, तो मैं पन्नी पे नहीं पीटूंगी, देखिए पन्नी फट जा रही है, तो इसको हम नीचे गिरा लेंगे थोड़ा थोड़ा इसको अलग करके, उसके बाद मैं पीटूंगी। तो आजकल इतना कड़ा धूप है, देखिए एक एक दिन में सूख गया है, तो मैं इसी को फटाफट पीट लेती हूँ। तो देखिए दाना बहुत ही अच्छे से अलग हो रहा है, तो ऐसे हम पीट के इकट्ठा कर लेती हूँ। जो दाना है इसको मैं बाहर कर देंगे, जो इसको छिलका है इस साइड में करूँगी, तो ऐसे हम पीटती जाऊँगी।
जो इसका छिलका है देखिए, हलोर हलोर के एक साइड रख देंगे तो इसके एक बार और पीटा जाएगा। जो छिलका है मैंने एक साइड रख दिया है, इसको धूप से अच्छे से इसको पछोरेंगे। तो सूप के साथ देखिए इसको अच्छे से पछोरूंगी, जो छिलका है बाहर हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छे से हो रहा है, जो ये दिखाई पड़ा है इसको हम गिन के निकाल लेंगे। बर्तन में अच्छे से रखेंगे। देखिए एक एक छिलका दिखाई पड़ रहा है, तो एक साइड हो गया है, तो इसको मैं निकाल लेंगे। अच्छा है, देखिए मूंग का दाना लग रहा है, हरा हरा, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ऐसे हम फटाफट साफ करके इसको रख लेंगे। मूंग देखिए अच्छे से मैंने साफ कर लिया है। अब इसको हम चकरी के सहारे इसमें दरेंगे, जो इसका मूंग है तो इसका दाल बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको मैं दल लेती हूँ। चकरी मैंने सेट कर लिया है, अब हम दाल दलना स्टार्ट करते हैं। इतना ढेर सारा देखिए छिलका निकला हुआ है, तो हमारी मंगर खाएगी। ये देखिए ये छोटा वाला दाल है, टूट गया है चकरी के सहारे, तो इसको हम अच्छे से भे कर इसकी रोटी बनाएंगे। मूंग का दाल मैं अच्छे से इसको भिगोऊंगी, तो दो तीन पानी इसको अच्छे से धुलेंगे, जो इसमें से छिलका निकलेगा वो हमारी मंगर खाएगी। चूल्हा मैंने आग जला दिया है, आज मैं बनाऊंगी मूंग का रोटी। और रोटी मैंने हाथ से बनाऊंगी, मोटी वाली। इसमें कटा हुआ देखिए मैंने लहसुन का छिलका हटाकर उसको काट लिया है बारीक का, और मिर्चा, तो दोनों इसमें डालेंगे। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, सूखा आटा में इसको मिक्स करेंगे। और इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंथूंगी। इसमें देखिए बहुत अच्छे से मैंने गूंथ लिया है, बस थोड़ा बहुत और गूंथेंगे। तो मैंने तवा रख दिया है चूल्हा पर, अब इसी पर हम रोटी बनाएंगे। तो छोटी छोटी देखिए लोई तोड़कर अब हाथ से हम कोचा बनाएंगे। अब मेरी मम्मी देखिए ऐसे बनाती है चूनी का, जो कि हम लोग बोलते हैं चूनी का कोचा, जो कि मूंग का चूनी है और रहर की चूनी की कोचा बनता है, उड़द का, मूंग का। तो हम लोग ऐसे बनाकर खाते हैं, खाने बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ऐसे हम बनाती जाऊँगी। बहुत ही अच्छा देखिए हमारा आग जल रहा है, और इस साइड मैं रोटी बना लेती हूँ। तो हमारा गर्म हो गया है, अब हम रोटी डाल देती हूँ तवा पे। बहुत ही अच्छा देखिए दिखाई पड़ रहा है, मैंने लहसुन डाला है, मिर्चा, नमक, और देखिए मूंग दिखाई पड़ रहा है। तो इसे धीमी धीमी आंच से मैं कोचा को सेकूंगी, कोचा को दूसरे साइड में पलटूंगी। तो देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें चीटी पड़ रही है। ऐसे मैं देखिए दूसरा लोई काट लेती हूँ। तो रोटी अब उतार के मैं सेकूंगी। ऐसे हम रोटी बनाकर दोबारा तवा पे डाल देती हूँ। तो इसको घुमाते हुए सेकेंगे दोनों साइड अच्छे से, बहुत ही खर खर सेकेंगे, बहुत ही अच्छे से कुकड़ा हमारा कोचा बन सेक के तैयार होगा। तो ऐसे हम दूसरा कोचा को दूसरे साइड पलटेंगे। तो बहुत अच्छे देखिए मैंने मूंग का रोटी बनाया हुआ है। तो ऐसे मैं सेक सेक के रख लेती हूँ। मैं घर से बाहर खाना बना रही हूँ, मेरी सासू माँ आ रही हैं, और उसके बाद ले जाएंगे अपने रूम में खाएंगी। तो जो मैंने नरम सेका हुआ है मैं वही देंगे खाने के लिए, वही लगे घर में खा। तो सासू माँ दोस्तों हमारे कानें कम सुनती हैं, बहुत ही कम सुनती हैं, ज्यादा जोर से बुलाएंगे तभी सुन पाएंगी। सासू माँ देखिए हमारे खाना ले गएंगे रूम में खाएंगी, और देखिए मैंने सेक लिया, एक से एक कोचा बचा है, मैं सेक लेंगे। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए राम राम।